देखिए पानीपत पानीपत मंडी की परचेज नहीं हो रही, पूरे डिस्ट्रिक्ट की परचेज नहीं हो रही। पूरे डिस्ट्रिक्ट पानीपत में यही समस्या है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट को सरकार जो हमारा टैक्स लेने में तो एक नंबर मानती है और कोई काम करने के लिए हमारा पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट मानती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये कहता हूँ कि युग बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, इन किसानों की तरफ देख लो। नहीं ये राम के आगे भगवान के आगे रो देगा, तुमने तीन जान से खो देगा। किसान की आवाज़ सुन लो, किसान तीन तीन चार चार दिन से मच्छरों में पड़े, थोड़ी देर में बारिश आ जाती है, फिर इसको इकट्ठा करवाओ। हजारों क्विंटल यहाँ पर धान पड़ी है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। तो इस सरकार तो कागजों में कर रही नहीं, धरातल पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं। कागजों में जो मर्जी कर ले, कागजों में ही कर रही, धरातल पे तो कुछ नहीं, कोई अनाज का दाना नहीं बिका ना, कोई एक दाना भी नहीं बिक लिया। सिर्फ बाबरपुर में बिकी थी दो डेयरी कल, और वो बाबरपुर मंडी भी ऐसे भर रही, संभालका भी, बापोली भी, और इसराना भी, और इधर क्या नाम है मतरोडा भी, पानीपत भी। मार्केट कमेटी की ये समस्या पीआर की समस्या है जी, तीन दिन से है। जैसे इन्होंने पहले दिन बोल दिया था 25 तारीख को वो खरीद शुरू होगी, तो ये पीआर जी पड़ी है, ऊपर राम है नीचे धरती है अपना, पड़ी है भाई। सरकार कुछ सोचे नहीं भाई, खरीदना होने का कारण क्या, मोस्टर है या कोई पहुंच ही नहीं रहा? तो नहीं है कोई पहुंचे ही नहीं है, खरीद करने ही नहीं पहुंचा ना कोई नहीं। तीन दिन से यही पड़े, हाँ परेशानी भी बहुत होती है। हाँ परेशानी तो है जी, प्रॉब्लम ये है जी, तीन दिन हो गए मेरे को यहाँ बैठे, प्रॉब्लम है भाई कोई नहीं आ रहा है देखने के लिए, इसको ना बिक रही है कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं आया जी यहाँ पे। बात हुई किसी से, क्या बोलते हैं हम, किससे बात करें जी, गरीब आदमी हमारी कौन सुनेगा? आरती वगैरह से कुछ बात हुई? आरती दे कहता भाई आ जाएंगे बेच देंगे, उनको बेचने काम है, वो बला थोड़ा लाएंगे उनको, कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा जी, यही पड़े हो तीन दिन। हाँ जी परेशानी भी हो रही है, परेशानी सारी है जी, क्या परेशानी नहीं है? भूखे मर रहे, मच्छर खा रहे, और क्या परेशानी, और क्या परेशानी, इससे बड़े पीने की भी समस्या आ रही है, सारी परेशानी है जी, परेशानी। और यहाँ क्या आया तो बताओ, परेशानी तो यह जी, तीन चार दिन हो गए यहाँ पड़े, दिन रात मच्छर खावा है। पहले खेत में जावा थे वहाँ चाहे सांप खाओ चाहे नोड़ खाओ, अपने दिन रात कस्सी खावे पर धर रहा है, अपना बिजली की लाइट भी परेशानी है वहाँ खेत में भी, और जो माड़ी मोटी फसल ही आई कुछ ना कुछ डांगर यहाँ खा जाए कुछ वहाँ खा जाए, यहाँ दिन रात जाग गए ना, तो जाकर दूर जान गए ना किसी ने बुलाने के, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़े मंडी में, ना रोटी खाने के ना पीने के ना जीने के ना कहीं उसमें। आठ दिन का परेशानी हमारे पे इतनी है, आठ दिन का हाँ आज आएंगे, आज तुल जाएगी, आज बिक जाएगी, बता आठ दिन क्या करे हमारे साथ, मैं भी परेशान, हम उन्हें बार बार कहेगा उन्हें वो कर रहे तंग कर रहे, कोई यहाँ पे कोई नहीं आ रहा अभी तक भी, 4 दिन हो गए यहाँ पड़े हम।